हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिज्ञासा सेशन में जहां हम प्रीवियस वीक यानी फिफ्टींथ टू ट्वेंटी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के टाइम पीरियड में हुई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटस सी वॉट आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टू सेशन सबसे पहले हम बात करेंगे कोअलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस जो कई बार करंट अफेयर्स के इवेंट्स में हमें देखने को मिलती है फिर हम बात करेंगे स्क्रैपिंग पॉलिसी हैज रिसेंटली टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की विच इज अबाउट दी कॉलिश फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सो हमें टू स्टेटमेंट्स गिवन हैं अबाउट द दिन फॉर डिजास्टर रिज़िलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्ट स्टेटमेंट हैज़ हैजू बी आइडेंटिफाइड आउट ऑफ दिस टू द फर्स्ट स्टेटमेंट सेस द सी डी आर आई इज अ पार्टनरशिप बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट्स एंड अदर एजेंसीज हुस पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिशन आर बाइंडिंग ऑन द मेबर्स सो so, बोला जा रहा है कि जो ये कॉलिश है इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन दी नेशनल गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड सम अदर एजेंसीज और जो भी डिसीजन होते हैं पॉलिसीज या स्टैंडर्ड्स इस कॉलिशन के अंदर डिसाइड किए जाते हैं दे आर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स सो बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है बाइंडिंग डिसीजन so, देती है मेंबर्स के ऊपर ठीक है इसका ये मतलब हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो हर मेंबर कंट्री को मानने ही पड़ते हैं जरूरी है मानना ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट सेज द सीडीआरआई वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन सितंबर टू एट द एन क्लाइमेट एक्शन समिट सो यू क्लाइमेट एक्शन समिट सेप्टेम्बर टू में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस पूरे इनिशिएटिव को कॉलिशन uh, को लॉन्च किया था यह हमारी सेकंड स्टेटमेंट है सो आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट क्योंकि ये एक पार्टनरशिप है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट्स प्राइवेट एजेंसीज़ यू यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोग्राम्स हैं इसके साथ अकेडमियाँ और सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और जो भी डिसीजनस पॉलिसीज या रेगुलेशन यहाँ पर इस कॉलेशन के अंदर डिसाइड किए जाते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग दे आर नॉट बाइंडिंग ठीक है वो आ, ये पार्टनरशिप है वॉलंटरी पार्टनरशिप है हर कंट्री अपनी आ, प्रमोशन के लिए डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए इसकी पार्टिसिपेट करती है लेकिन कोई भी डिसीजन जो है यहां पर वो कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है यह चीज आपको ध्यान रखनी है इसके बाद इसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सेप्टेबर टू थाउजेंड नाइनटीन में ही लॉन्च किया था यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट सो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट सीडिया राय बिकॉज दी ट्वेंटी सेवन मेंबर यूरोपीय यूनियन हैज कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया का एक इनिशिएटिव है इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है और इसको EU ने यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन कर लिया है तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है क्या है सीडीआरआई इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन दी नेशनल गवर्नमेंट्स यू एन एजेंसीज एंड यू एन प्रोग्राम्स मट्टी लेटल डेवलपमेंट बैंक लाइक वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक एसेट्रा एंड दी प्राइवेट सेक्टर नॉलेज इंस्टीट्यूशन लाइक यूवर्सिटीज एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन विच आर वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका एम है इस पूरी कॉलिशन का टू प्रमोट द रेजिलियस ऑफ न्यू एंड एक्जिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एजेंसीज एंड नॉट बेस्ड ऑन राइट्स एंड ऑब्लीगेशंस तो सिंपल सी बात है कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉलिश है इसमें मल्टीलेटल मेंबर्स हैं गवर्नमेंट्स हैं प्राइवेट एजेंसीज हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं मल्टीलेटरल बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मकैनिज्म होते हैं और यू एन एजेंसीज और उसके प्रोग्राम्स भी इसमें शामिल हैं और एम है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में डेवलप करें जो कि डिजास्टर रिजिलियंट हो और नेचुरल डिजास्टर्स जो कि काफ़ी कॉमन है वर्ल्ड के अंदर उनके सामने वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोलैप्स ना करे ठीक है तो ये हमारा इस कॉलिशन का एम है इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज जनरेशन एक्सचेंज एंड विल ऑल्सो डेवलप कंट्री स्पेसिफिक एज वेल एज ग्लोबल प्लान्स इट विल गिव मेम्बर कंट्रीज टेक्निकल सपोर्ट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट रिसर्च नॉलेज मैनेजमेंट एंड एडवोकेसी पार्टनरशिप्स टू इनेबल एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डिजास्टर रेजिलेंट उसे कैसे बनाना चाहिए और जो फंडिंग चाहिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेनोवेट करके डिजास्टर रेजिलेंट बनाने के लिए और नए डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इरेक्ट करने के लिए जो फंडिंग की जरूरत होगी वो फंडिंग भी चैनलाइज करने का काम इस कॉलिशन के द्वारा किया जाना है क्लियर हो गया नॉट बाइंडिंग डिस डिसीजंस हैं इसके नॉन बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी ऐसा डिसीजन जो लिया जाता है इस कोएलिशन में जरूरी नहीं है कि वो सभी मेंबर कंट्रीज को मानना ही मानना होगा ऐसा कोई डिसीजन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं लिया जाता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव पे सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था क्लाइम इस कोएलिशन को एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट राइट इसके बाद दिस आइडिया बिहाइंड द सीडीआरआई एससीडीआरआई इट वाज अनाउंसड इन 2016 एट द एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और सेक्रेटेरिएट इस कॉलेशन का लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर तो ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है फ्रेंड्स बिकॉज़ इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडिया इज हाइली इनवॉल्वड हेडक्वार्टर्स इंडिया सेक्रेटेरिएट जो है इंडिया के अंदर लोकेटेड है इनिशिएटिव इंडियन प्राइम मिनिस्टर का था उन्होंने इसको लॉन्च किया है और ये आइडिया जो है इसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले प्रपोज किया था 2016 के अंदर सिग्निफिकेंस क्या है सी का इंफ्रास्ट्रक्चर को uh, हम सभी जानते हैं कि बहुत एक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए और इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट uh, है और सभी कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का पुष भी चल रहा है लेकिन जो डिज़ास्टर्स uh, uh, की स्केल है डिजास्टर की फ्रीकुंसी uh, है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि इंक्रीज़ हो रहा है मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और इट इज़ फ सब अदर नेचुरल और आर्टिफिशियल फिनोमिना बट द डिजास्टर्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन दर इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इन द कमिंग ईयर्स सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए डेवलप करें अपनी कंट्रीज के अंदर जो कि ऐसे डिजास्टर्स के अगेंस्ट रिजिलियंट रहे उनके उन डिजास्टर्स उन, उन को झेलने के काबिल रहे क्लियर सो so इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिसाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये सेंडाई फ्रेमवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसको डिजाइन किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजास्टर्स के द्वारा पोस्ट किए गए रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और उसी सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर एक टारगेट जो है टारगेटेट्स अंडर दिस फ्रेमवर्क इज इंफ्रास्ट्रक्चर

डिज़ास्टर रिजिलियंट है और डिज़ास्टर्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है तो जब भी कोई नेचुरल हैजार्ड या डिज़ास्टर स्ट्राइक करता है तो ऐसे टाइम में रिस्पांस देना ज़्यादा इजी हो जाएगा रिहैबिलिटेट और रेस्क्यू करना लोगों को ज़्यादा इजी हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट करना ईजी हो जाएगा अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो डिज़ास्टर्स के टाइम भी ऑपरेबल ऑपरेटेबल रहता है बिल्कुल ऑपरेशनल रहता है और उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं चाहे वो हमारे रोड्स हों चाहे रेलवे लाइन्स हों चाहे हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क हों टेलीफोन लाइन्स हैं इंटरनेट लाइन्स हैं

अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडिया के अंदर जो सबसे कॉमन डिजास्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो फ्लड्स floods... ड्रॉट्स और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो इंडियन कोस्ट को आ, आ, हिट करते हैं ये सबसे फ्रीक्वेंटली आने वाले डिजास्टर्स हैं इंडिया के अंदर अगर हम अर्थक्विक्स की बात करें तो अर्थक्स बहुत ज्यादा रेयर हैं और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में ज़्यादा जो है अफेक्ट करते हैं लेकिन बाकी ड्रॉट्स फ्लड्स और नेचुरल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करने वाले डिजास्टर्स हैं और इनको लेकर के खास तौर पर तैयारी की गई है आई इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लॉन्च किए गए हैं इस्टेब्लिश किए गए हैं बाई आई एम डी टू ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू ट्रैक द अकरिंग ऑफ फ्लडिंग एंड रॉड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री जिसकी अर्ली वार्निंग भी प्रोवाइड की जाती है बाई आई एम डी सुनामीज़ के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ने सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को भी इंस्टॉल किया है इंडिया के अंदर ताकि अगर सुनामीज़ इंडियन ओशन के किसी रीजन में जनरेट होती हैं तो उसके अगेंस्ट भी हम अर्ली वार्निंग को जनरेट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें इंडिया की जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी को पॉसिबल बनाती हैं कि हम ह्यूमन लॉस लाइफ के लॉस के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं और लोगों की वैकुएशन में हम लोग ज्यादा बिलीव करेंगे एज कंपेयर टू कि हम डिजास्टर्स uh, का वेट करें और देखें कि कैसा लॉस uh, होता है और उसके अकॉर्डिंग uh, हम रिस्पॉन्ड करें देन कम्स संडाई फ्रेमवर्क फॉर रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क टू टू थर्टी का ये हमारा फ्रेमवर्क है फिफ्टीन uh, ईयर्स के लिए फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था टू के अंदर इट वॉज अडॉप्टेड एट दी थर्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मार्च 2015 में यह सेंडाई जापान के अंदर हुई कॉन्फ्रेंस है 2030 तक का पूरा प्लान यहाँ पे तैयार किया गया जिसमें स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल रिस्क क्या हो सकते हैं डिजास्टर्स के फ्रीक्वेंट एंड इन रिस्क क्या हैं सडन एंड स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर्स के रिस्क क्या हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और सभी मेंबर कंट्रीज ने यहाँ पर आके ये डिसाइड किया कि, कि किसी भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सिर्फ गवर्नमेंट्स की ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के साथ साथ जो सिटीजन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में उनकी भी हमें हेल्प लेनी चाहिए और जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे शुड आल्सो बी टेकन इनटू पार्टिसिपेशन वाइल डिसाइडिंग फॉर और प्लानिंग फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्लियर सो संडाई फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो संडाई फ्रेमवर्क में देर आर फोर प्रायोरिटी एरियाज Understanding the risk posed by disasters, strengthening disaster governance, risk governance to manage the risk of disasters, investing in disaster risk reduction for resilience. Which is a initiative is CDRI. यानी कि हम रेजिलियंस अपनी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऐसे डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के थर्ड प्रायोरिटी एरिया को पूरा करने के लिए सीडीआरआई को लॉन्च किया गया है इनहेंसिंग द डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड टू बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन दैट इज दोस्ट डिजास्टर फिनोमिना हमारा पोस्ट डिजास्टर सो इस फोर प्रायोरिटी एरियाज के अंदर हमने प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर सभी चीजों को सभी चीजों का ध्यान रखते हुए इस पूरे डॉक्यूमेंट को तैयार किया है एंड सेवन ग्लोबल टारगेट्स अंडर दीज फोर प्रायरिटी एरियाज हैव बीन डिड इन दी एंड फ्रेमवर्क और ये क्या सेवन ग्लोबल टारगेट्स हैं वी वॉन्ट टू रिड्यूस मोटेटी वी वॉन्ट टू रिड्यूज दंबर ऑफ इफेक्टेड पीपल जो कि डिजाटर से इफेक्ट हो रहे हैं वी वॉन्ट टू रिड्यूस द डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस जो इकोनॉमिक लॉस होता है प्रॉपर्टी का लॉस होता है बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिड्यूज द डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ बेसिक सर्विस वी वॉन्ट टू स्प्रेड द डिजाटर रिस्क एफर्ट्स वी वॉन्ट टू इंक्रीज कॉपरेशन एंड सपोर्ट अमंगस कंट्रीज एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन

अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू की बारे में दो हैं। आपको करनी है। says, is 122 कंट्रीज एंड लाइक कंप्लीटली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉन की आईएसए एक ऐसी अलायंस है जिसको इंडिया ने इनिशिएट किया है जिसमें एक से ज्यादा कंट्रीज शामिल हैं ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कंप्लीटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैपरी के बीच में लाई करती है यह है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट से इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट गुरुग्राम इंडिया सेकंड स्टेटमेंट इज एप्सली करेक्ट गुरुग्राम के अंदर हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है आई एस ए के इसके बाद अगर हम आई एस ए कीबरशिप की, की बात करें तो इनिशियली आईएसए मेंबरशिप वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दो कंट्रीज विच वर कंप्लीटली और पार्टली लोकेटेड बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड कैंसर लेकिन अब ये जो मेंबरशिप है ओपन हो चुकी है सभी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज को लेकर के सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एस की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इटली द यूरोपियन कंट्री हैज है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और उन्होंने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन कर दिया है इंडिया के साथ आई इज एन अलायंस ऑफ मोर देन हंड्रेड दे आर सनशाइन कंट्रीज जो कि कंप्लीटली या पार्टली लोकेटेड हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैपिकॉन के बीच में और ऑल ईयर राउंड अच्छी सनलाइट एक्सेस कर सकती हैं ये कंट्रीज लेकिन अब जो मेंबरशिप है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वो यूनाइटेड नेशंस की सभी मेंबर कंट्रीज के लिए ओपन हो चुका है चाहे वो ट्रॉपिक्स में लोकेटेड हो चाहे ट्रॉपिक्स से फार अवे लोकेटेड हो जैसा इटली का हाल है इटली बहुत ज्यादा नॉर्थ में लोकेटेड है एंड इज अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक्स बट स्टिल नाउ कंट्रीज आर एबल टू ज्वाइन दी आई राइट Headquarters is located in Gurugram Paris Declaration it establishes ISA as an alliance dedicated to the promotion of solar energy among the member countries launched by the Indian Prime Minister in 2015 at the India Africa Summit राइट एंड अ मीटिंग ऑफ पार्टनर कंट्रीज अहेड ऑफ द 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द एस इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन नवंबर जहां पर माराकेश मौरको, मौरको के अंदर जो सी uh, ओपी uh, हो रहा था क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके अंदर हमने आई के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को भी साइन के लिए सिग्नेचर्स uh, के लिए ओपन कर दिया था सो लगभग 2016 से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर चुकी है ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑब्जेक्टिव है कि हम सोलर पावर की uh, uh, डेवलपमेंट को यूटिलाइजेशन को प्रमोट करें सभी मेंबर कंट्रीज के अंदर इसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि हम मेंबर कंट्रीज को इंसेंटिवाइज करें कि वो सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करें इसके साथ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के चैनल्स को ओपन करें सो दैट द फंड एंड इन्वेस्टमेंट कैन फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज और इन डेवलपिंग कंट्रीज टू दी कंट्रीज विच वॉन्ट टू डेवलप और इंस्टॉल दी सोलर पावर प्लाट्स राइट सो इसके अंदर इंडिया ने हंड्रेड गीगा वॉट सोलर एनर्जी का टारगेट दो हजार बाईस तक का सेट uh, uh, किया हुआ है जिसमें हमने डिसाइड किया है कि हम हंड्रेड गीगा वॉट सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करना चाहते हैं इंडिया में और अपनी मिशन इंटेंसिटी को थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट कम करना चाहते हैं एज कंपेयर टू टू थाउजेंड फाइव uh, लेवल्स इन बाई दू थाउजेंड थर्टी हमारी कमिटमेंट है जो हमने आई एनडीसी के तौर पर यूएन को भी रखी है और इसी को फुलफिल करने के लिए आई एस ए को लॉन्च किया एंड इट्स जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोलर एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी और ये बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि इंडिया फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को स्पेशली सोलर एंड विंड सोर्सेज को डेवलप कर सके ताकि हमारी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस वो थोड़ी सी जो है कम हो सके क्लियर है इसी के साथ दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी है विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मीन फॉर्डर दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मीनस एग्जामिनेशन नेक्स्ट अप इज अपार क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज रिलेटेड टू द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट और इसके अकॉर्डिंग भी इससे जुड़ी हुई भी दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहां भी आइडेंटिफाई करनी है द स्टेटमेंट वन इज द ओल्ड व्हीकल्स विल हैव टू पास अ फिटनेस टेस्ट बिफोर री रजिस्ट्रेशन एंड एज पर द पॉलिसी गवर्नमेंट कॉमर्शियल व्हीकल्स मोर देन फिफ्टीन ईयर ओल्ड एंड प्राइवेट व्हीकल्स विच आर ओवर ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड विल बी स्क्रैप्ड Right. Second statement says vehicle manufacturer will also give a discount of 50 percent to people who will produce the scrapping certificate and registration fee will be waived off on the purchase of new vehicle. बेसिक प्रोविजंस ऑफ दी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और आपको प्रिल्म में बहुत बार ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज को बहुत डिटेल में आपसे पूछते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन है बिकॉज द फर्ट स्टेटमेंट इज एप्सोलूटली करेट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो भी हमारे कॉमर्शियल वहीकल्स हैं गवर्नमेंट की वेकल फीड के अंदर विच आर मोर देन फिफ्टीन ईयर ओल्ड एंड प्राइवेट वहीकल्स विच आर मोर देन ट्वेंटी ईयर ओल्ड उनको हम लोग स्क्रैप कर देंगे ठीक है उनको स्क्रैप करने की पॉलिसी है ताकि ओल्ड व्हीकल्स हमारे फ्लीट से निकलें और पॉल्यूशन जो ओल्ड व्हीकल्स की वजह से होता है वो हमारा कम हो जाए और इसके बाद बात की गई कि व्हीकल मैनुफैक्चर जो हैं 50 परसेंट डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे लोगों को जो नए व्हीकल्स को खरीदेंगे अगर वो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हमारा पुराना जो व्हीकल था उसको स्क्रैप कर दिया है और ये जो रजिस्ट्रेशन फी है ये भी वेव ऑफ कर दी जाएगी परचेज ऑफ न्यू व्हीकल पे तो देखिए इस स्टेटमेंट में पार्शल करेक्टनेस है रजिस्ट्रेशन फी नए व्हीकल की वेव ऑफ की जा सकती है अगर सर्टन कंडीशन मीट हो रही है पर फिफ्टी डिस्काउंट अगर आप नया व्हीकल खरीदने जाएंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है ये इतनी अच्छी खबर नहीं है तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां पर तो हम क्यों बात कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली द व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी हैज बीन अनाउंसड इन दी लोकसभा बाई दी मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और उन्होंने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की भी बात की है और उन्होंने कहा है कि 15 इयर्स ओल्ड एंड पर्सनल व्हीकल्स यानी प्राइवेट व्हीकल्स ओवर 20 इयर्स ओल्ड विल बी marked for scrapping if they fail to pass the uh, pass the test सबसे पहले पॉलिसी की बात करते हैं 2021-22 20, बाईस टू जो हमारा लास्ट बजट है उसके अंदर अनाउंस किया गया था इस स्क्रैपिंग पॉलिसी को स्क्रैपिंग पॉलिसी में एस्टिमेट किया जा रहा है कि वी वांट 51 लाख एलएमवीज़ यानी लाइट मोटर व्हीकल्स विच इंक्लूड आर कार्स एंड मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स एक्सेट्रा दैट आर अबव ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एज एंड अनदर थर्टी फोर लैक सच व्हीकल्स अब फिफ्टीन ईयर्स ऑफ एज इंडिया के अंदर अभी अप्लाई करते हैं और इनको हम स्क्रैप करना चाहते हैं ठीक है एम क्या है क्यों स्क्रैप कर रहे हैं बिकॉज द पॉल्यूशन ऑफ दट इज क्रिएटेड बाई दीज काइंड ऑफ व्हीकल्स ओल्ड एंड इफेक्टिव ये बहुत ज्यादा uh, वहीकुलर uh, एयर पोलूटेंट्स को रिलीज करते हैं क्योंकि इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर जो मशीनरी है वो अब इतनी अच्छी नहीं है एफिशिएंट नहीं है पोल्यूटेंट्स को रोकने के लिए तो इसलिए हम इन पुराने व्हीकल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं बाय न्यूअर एंड मोर फ्यूल एफिशियंट व्हीकल्स ठीक है तो कैसे ये प्रोसेस अनफोल्ड होगा सबसे पहले एनी व्हीकल विच इज ओल्डर देन ट्वेंटी ईयर्स उसको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अगर री रजिस्ट्रेशन करना है तो उससे पहले उसका एक फिटनेस टेस्ट किया जाएगा फिटनेस टेस्ट में अनफिट पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो री re रजिस्ट्रेशन होना है वो अलाउड नहीं किया जाएगा और डी रजिस्टर हो जाएगा आपका 20 साल से पुराना व्हीकल क्लियर है ये बात हो रही है प्राइवेट व्हीकल्स की नॉट ऑफ द गवर्नमेंट व्हीकल्स देन द रजिस्टर्ड ओनर्स दे विल हैंड ओवर सच व्हीकल्स टू अ पर्टिकुलर फैसिलिटी जहां पे उनके वहीकल्स स्क्रैप होंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनको जो है स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और इस स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट को आप आगे जाकर दिखा सकते हैं और नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं इसके लिए इंसेंटिवस दिए जा रहे हैं व्हीकल ओनर्स को जिनके पास बीस साल से ज्यादा पुराना व्हीकल है उनको कुछ इंसेंटिव दिए गए हैं जैसे कि एक्स शोरूम प्राइस पे थोड़ा सा डिस्काउंट उन लोगों को मिल सकता है अगर वो स्क्रैपिंग सेंटर में अपने व्हीकल को कर जाते हैं Then, tax rebate. States जो जो है, उनको advice दी गई है है कि दें तो के द्वारा लिया जाता है जब भी आप एक नया वहीचेज करने जाते हैं नया व्हीकल ले रहे हो तो उस पर डिस्काउंट व्हीकल मैनुफेक्चर को देना चाहिए और गवर्नमेंट ने एडवाइस करी है कि फाइव डिस्काउंट दें फिफ्टी डिस्काउंट कैसे गवर्नमेंट बोलेगी ऑन न्यूअर व्हीकल्स विच आर गोइंग टू बी परचेज अगर आपको कोई स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाता है कि हमने पुराना व्हीकल स्क्रैप करवाया है और रजिस्ट्रेशन फी भी वेव ऑफ कर देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप एक नया व्हीकल खरीद रहे हैं आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ योर पुराना व्हीकल की जरूरत नहीं है और स्क्रैप कर रजिस्टर्ड वहीकल को जाकर स्क्रैप किया जाएगा टैक्स रिवेट मिलना चाहिए रोड टैक्स पे वहीकल डिस्काउंट अवेलेबल होना चाहिए नए वहीकल्स खरीदने पर और डिस इंसेंटिव भी दिया गया दैट इंक्रीज री रजिस्ट्रेशन फी वु अपलीकेबल फॉर वही फिफ्टी और इनिशियल डेट रजिस्ट्री

20 ईयर से अगर आपका व्हीकल पुराना है तब तो उसको स्क्रैप करना है बट अगर 15 ईयर से पुराना है तब भी आपको ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी अपने पुराने व्हीकल को री रे रजिस्टर करवाने के लिए क्लियर है सो दिस इज दी स्क्रैपिंग पॉलिसी एंड इट्स एम्ड एट दी एट रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन इन आर ओन कंट्री सो इसके सिग्निफिकेंस क्या है स्क्रैप यार्ड्स की क्रिएशन होगी ठीक है जिससे हमारा वेस्ट रिकवरी इंक्रीज हो सकता है पुराने व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल्स और सबस्टांसिस हम रिकवर कर सकते हैं वेस्ट से इम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा नए uh, लोगों के लिए जो कि इस में काम करेंगे मीडियम कॉमर्शियल वेहीकल जो कि कंस्ट्रक्शन uh, 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 सेक्टर में या लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो निकलकर सामने आ रही है गवर्नमेंट ट्रेजरी इज ऑलसो एक्सपेक्टेड टू गेट अराउंड रुपीज थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड करोर बिकॉज ऑफ दी एस टी क्योंकि नया व्हीकल आप लोग परचेस करेंगे उस पर जीएसटी पे करेंगे जो व्हीकल स्क्रैप होगा उस पर भी कुछ जीएसटी का अमाउंट होगा जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यूज को इंक्रीज करेगा प्राइस रिडक्शन हो सकता है ऑटो कंपोनेंट्स के प्राइसेस काफी फॉल कर सकते हैं अगर रिसाइकलिंग होती है और नया मेटल और प्लास्टिक जो पुराने व्हीकल्स के अंदर से जो निकल कर आएगा वो यूज होता है नए व्हीकल्स में पोल्यूशन रिड्यूस होगा दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडियन रोड्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा वहीकुलर पॉल्यूशन है उसमें भी कमी आने की चांसेस हैं नेक्स्ट अप इज द क्वेश्चन नंबर अपन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ प्रोटेक्टेड एरिया जिसकी डिस्क्रिप्शन हमें दी गई है डिस्क्रिप्शन को पहले पढ़ते हैं दिस प्रोटेक्टेड एरिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ तराई आर्क लैंडस्केप इन दी अपर गैनजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया लोकेशन हमें पता चल गई है इंडिया के अपर गैनजेटिक प्लेन्स में लोकेटेड ये रीजन है और तराई आर्क लैंडस्केप यानी कि इट इज लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ द हिमालय शिवालिक हिल्स के जस्ट साउथ में आपके भाबर बेल्ट और तराई बेल्ट आती हैं तो इस रीजन में लोकेटेड हमारा ये एरिया होना चाहिए इट हैज हाई साल फॉरेस्ट टिम्बर प्लांटेशन टॉल ग्रास लैंड विथ सेवरल वाटर बॉडीज एंड एनिमल्स लाइक टाइगर स्वाम्प डियर बंगाल फ्लोरिकन लेपर्ड्स एटसेट्रा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया जो है ऊपर डिस्क्राइब किया जा रहा है आपको बताना है सरिस्का टाइगर रिजर्व

लोअर जेटिक प्लेन्स है सुंदरबंस में क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि गंगा रिवर का डेल्टा बन रहा है तो दिस विल नॉट बी अपर गंगा प्लेन्स तराई आर्क से भी बहुत दूर है हिमालय से बहुत दूर है आपका सुंदरबंस पाला टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो झारखंड में लोकेटेड है आपका पाला टाइगर रिजर्व एंड इट इज ऑल्सो

2014 में इसको टाइगर रिजर्व के तौर पर रिकॉगनाइज कर लिया गया था एंड 2020 में इट वाज अवार्डेड दी टी एक्स टू अवार्ड फॉर डबलिंग अप दी नंबर्स ऑफ टाइगर्स इन दी फोर इयर्स बिटवीन 2016 एंड 2020 इन दी पीलीभी टाइगर रिजर्व एंड इट इज पार्ट ऑफ द तराई आर्क लैंडस्केप जो पूरे हिमालयास के साउथ में जो नैरो तराई की बेल्ट है इस बेल्ट के पूरे लैंडस्केप इसको पूरी लैंडस्केप को तराई आर्क लैंडस्केप बोला जाता है और इंडो नेपाल बॉर्डर पे आपका जो लोकेटेड है खाकर uh, और शारदा रिवर्स बाउंड्री बनाती हैं इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व की फ्लोरा एंड फोर्मा की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स लाइक टाइगर सोमडियर बंगाल फ्लोरिकन लेपर्ड एटसेट्रा आर फाउंड हेयर एंड हाई साल फॉरेस्ट टिम्बर प्लांटेशन एंड रीजन अगर मैं तराई आर्क लैंडस्केप की बात करूँ तो एट हंड्रेड टेन किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच बिटवीन द यमुना रिवर इन द वेस्ट एंड रिवर भागमती इन द ईस्ट भागमती रिवर जो कि नेपाल से निकल करके बिहार में जा रही है सो so ये पूरा जो रीजन है वो उत्तराखंड नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है उस पूरे रीजन में हिमालयास के साउथ में ये तराई आर्क लैंडस्केप जो है लाई करती है

and uh, the forest, they are home to various important animals like bengal tiger, like one-horned rhinoceros, the eastern side pe milta hai, or asian elephant also uh, is found in this particular region. next up is the question number five, and the last question of today's gigasa friends, and this is about world air quality report of 2020. it is published by which of the following organizations? you have to tell wmo, world meteorological organization, german uh, german watch institute, climate coalition, and iq air. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आईक्यू एयर आई क्यू एयर जो कि स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी कंपनी है उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है और उन्होंने 106 कंट्रीज को स्टडी करके वहां पर जो पीएम 2.5 का पॉल्यूशन है कंसेंट्रेशन है इसको स्टडी किया है एंड अकॉर्डिंग टू देन द डेली सिटी कैपिटल कंट्री हैज बिन रैंक एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटीज आउट ऑफ ऑल द कैपिटल सिटीज ऑफ वन हंड्रेड सिक्स कंट्रीज जो स्टडी की गई इसमें से डेही जो है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है फॉलोड बाई ढाका बांग्लादेश कैपिटल उलनबतार कैपिटल ऑफ मंगोलिया काबुल कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान एंड दोहा द कैपिटल ऑफ कतार द वर्ड कंट्री रैंकिंग की बात करेंगे तो बांग्लादेश मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है फॉलोड बाई पाकिस्तान एंड इंडिया लीस्ट पोल्यूटेड कंट्री में प्योर रिको आता है विच इज अ डिपेंडेंट स्टेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यू कैलिडोनिया यूएस वर्जन आइलैंड्स रेस्पेक्टिवली, दीज आर द लीस्ट थ्री पोल्यूटेड कंट्रीज एंड होतान इन चाइना इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड विद एन एवरेज कंसल्ट्रेशन ऑफ हंड्रेड एंड टेन माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब फॉलोड बाय गाजियाबाद विच इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश ठीक है सो अगर हम इस फाइंडिंग्स में इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है डेटा आप कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर दैट फ्रॉम टू थाउजेंड नाइनटीन टू टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी इन दिस वन ईयर द डेलीज एयर क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड स्लाइटली इट इज द टेंथ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी नाउ इन द वर्ल्ड एंड द टॉप मोस्ट कैपिटल सिटी विच इज पॉल्यूटेड गाजियाबाद इंडिया की इंडिया के अंदर सेकेंड मोस्ट पो सॉरी वर्ल्ड के अंदर सेकेंड मोस्ट पॉलिटेड सिटी है गाज़ियाबाद एंड इट इज़ फॉलोड बाय बुलंदशहर बिसराग जलालपुर भिवंडी नोएडा ग्रेटर नोएडा कानपुर लखनऊ ये इंडिया की पोलिटेड सिटीज़ हैं तो गाज़ियाबाद इज़ द सेकेंड पोलिटेड सिटी इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट पोलिटेड सिटी इन आर ओन कंट्री इन टर्म्स ऑफ पी एम टू ये ध्यान रखना है पोल्यूशन में हम पीएम 2.5 की बात कर रहे हैं और ये जो बाकी डेटा है रिगार्डिंग दी अदर इंडियन सिटीज़ उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है ये एक ट्रेंड देखने में आया है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है डेक्कन है वहाँ पे सिटीज़ दे आर मोस्टली और रिलेटिवली हैव हैविंग बेटर एयर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडियन सिटीज़ जो कि इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर लोकेटेड हैं क्लियर है सो so ये हमारे आज की uh, जो जिज्ञासा का सेशन है इसके अंदर के हमारे फाइव क्वेश्चन हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए इसी तरीके से हम जिज्ञासा सेशनस को आगे कंटिन्यू करेंगे और करंट अफेयर्स की अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहेंगे तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद